हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज गुड लाइफ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे साग वाला चिकन या पालक चिकन। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, पालक, टमाटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्रीम, चॉप्ड अनियन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चॉप्ड जिंजर गार्लिक, कसूरी मेथी, गरम मसाला। एक बोल में पानी डाल के उसमें एक चम्मच नमक और साग डालेंगे। साग को 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसे ठंडा करके उसका पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में 4 चम्मच के करीब तेल डाल के छोटी इलायची और दालचीनी डालेंगे। दालचीनी डालने के बाद इसमें हम चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। प्याज कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डालेंगे। कुछ देर बाद अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे। टमाटो पेस्ट डालने के बाद कुछ देर और भूनेंगे। चिकन को पकने के लिए अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे।
अब हम इसमें चॉप किया हुआ जिंजर और चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे और पेस्ट किया हुआ पालक भी डाल देंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। लास्ट में अब हम इसमें क्रीम और कसूरी मेथी डालेंगे। तैयार हो गया हमारा साग वाला चिकन। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।